फिलहाल डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर को कहना है कि कोई मेजर इंजरी ऋषभ पंत को नहीं हुई है, जो कि आगे जाके परेशान कर सके। लेकिन क्योंकि इन चीजों के एग्जामिनेशन में वक्त लगता है, इन चीजों के टेस्ट होने में वक्त लगता है, तो वो डिटेल MRI और स्कैन के बाद ही बता पाएंगे कि कोई इंटरनल लेगमेंट इंजरी या बड़ी बात यह है कि फ्रैक्चर कोई अभी नहीं बताया जा रहा है। जो अंदेशा लगा रहे थे कि क्या वो बर्न के मार्क है ऋषभ पे, तो वो भी डॉक्टर ने खारिज करते हुए कहा बर्न मार्क्स नहीं है, वो ब्रूसेस है। महत्वपूर्ण आपने बात करी कि मेजर इंजरी नहीं हुई, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन की जो लाइफ होती है वो निर्भर करती है उसके स्वस्थ शरीर पर, और वहां पर ऐसी कोई बड़ी चोट जो है थैंकफुली, आप सही कहा, बिल्कुल बहुत सुखद खबर ये है कि बच गए बहुत बड़ी घटना से। लेकिन आप क्या समझती हैं, जो इनिशियली जो एक्सीडेंट का कारण क्या रहा, तेज रफ्तार आप मानती हैं, अकेला तेज रफ्तार को मानते हैं, या साथ में रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं सूत्रों के हवाले से कि पल जो आंख लग गई थी ऋषभ पंत ने जो पुलिस को अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि मेरी आंख लग गई थी, मेरे को झपकी आ गई थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन रफ्तार भी नजर आ रही है, तो रफ्तार भी उसकी एक वजह हो सकती है। और देखिए ठंड का मौसम है थोड़ी, लेकिन हालांकि धुंध को तो उस पर कम्प्लीटली वो नहीं किया जा सकता। आप अगर एक्सीडेंट की वजह देखें तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे थे वो, और आप अगर 5:20 का समय वो रुड़की पे है, मतलब कि तकरीबन 3-3.5 घंटे पहले वो दिल्ली से निकले होंगे, तो आप ये देखिए उस हिसाब से लेट नाइट वो ट्रैवल कर रहे थे और रात भर जगे हुए थे, तो उनको झपकी आ गई। जो उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया है, मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने बताया कि झपकी आ गई जिस वजह से उनकी गाड़ी जो है वो डिवाइडर से टकरा गई। फिलहाल जो वजह है वो ये बताई जा रही है, और टकराने के बाद जो है गाड़ी में आग लग गई। उससे पहले अच्छी बात ये रही कि ऋषभ पंत वहां से बाहर निकलने में संभव कामयाब हो गई।